हेलो, हाय मैम, मैं ग्रुप से बोल रही हूँ, क्या मेरी बात प्रिंसिपल से हो रही है? जी बोल रही हूँ। मैम, हमारे एमडी सर आपको एज प्रिंसिपल अपने स्कूल में रखना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, इफ द पैकेज विल बी गुड, आई डेफिनेटली आई कैन जॉइन। ओके, परफेक्ट। मैम, मैं आपकी कॉल ना एमडी सर को ट्रांसफर कर रही हूँ। या डेफिनेटली, श्योर। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द। हेलो। हेलो सर, मैं प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाय बेटा, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम गुड बेटा। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, थोड़ा स्टडी के बारे में बताएं अपनी। सर मुझे 4 साल हो चुके हैं एज अ प्रिंसिपल। ओके, एंड आई हैव अ 4 इयर्स एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन एमफिल। वेरी नाइस बेटा, मैं ना आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा खुश हूँ, आप एजुकेटेड भी हो। थैंक यू सो मच सर। नहीं तो आप डिजर्व करते। अच्छा, मुझे ना थोड़ा अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बता दो। सर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा तो कभी स्कूल गए ही नहीं। अच्छा। पापा ने भी 7 तक स्टडी की है, बट घर की प्रॉब्लम की वजह से उनको स्टडी छोड़नी पड़ी थी। इसका मतलब आपके घर वाले एजुकेटेड नहीं है? जी जी, पर ये बट तो... हाँ, ये जरूर था कि मेरे मम्मा पापा ने जो खुद नहीं कर सके वो चाहते थे कि उनका बच्चा करे, तो उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मुझे। वो तो बेटा ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए हम आपको रख नहीं सकते। सर सॉरी टू से, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, बट जो ये आपने कंडीशन रखी है ना कि आपके मम्मा पापा एजुकेटेड नहीं है तो मुझे भी जॉब नहीं मिल सकती, ये मुझे आपकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आपके कहने का मतलब ये हम गलत कर रहे हैं? सर बिल्कुल गलत है। अच्छा फिर मेरी बात सुनो। पहला तो सॉरी, दोनों कान फड़के, मैं कोई एमडी नहीं बोल रहा, मैं पकपक दीपक बोल रहा रेडियो मिर्ची। तो सपना नाम दी कुड़ी तुहाडे स्कूले एडमिशन लेना इसी, और तुसी एडमिशन इस करके नहीं दिती क्योंकि ओदे डैडी दिहाड़ी करदे है, लेबर करदे है। नहीं वो तो तानू उस बच्चे दी काबिलियत देखनी चाहिदी सी, ना कि ओना दे मम्मी डैडी दा स्टेटस। मैं मानती हूं कि ये गलत बात है, लेकिन ये तो अपने अपने स्कूल की हर एक की पॉलिसीज होती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैम, यही पॉलिसीज अगर तुहाडे टाइम ते हुंदियां तां की तुसी अज प्रिंसिपल होना सी? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 13 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੀਪਕ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਮੈਮ, ਬਾਏ।